हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम भी जाना बहुत था तो बढ़िया हैं। सोचे थोड़ा बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं और थोड़ा आप लोग से बात कर लेते हैं। आप लोग हमसे अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, ना मैसेज करते हैं। तो आज आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। कमेंट बॉक्स में कितने दिन से आप लोगों ने अपना अपना हाल चाल नहीं दिया है, तो आप लोग अपना अपना हाल चाल बताइएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप हमारा लुक, साड़ी वाला। आप लोग को हमारा साड़ी वाला लुक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। ये मरून कलर मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं? तो फ्रेंड, आपको तो मालूम ही है कि आपकी जो दोस्त है, आपकी जो बहन है, काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाती है। तो आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो यार, ठीक है? पता है फ्रेंड, अब जैसे मैं यहाँ के पार्क पे देख रही, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बट मुझे जहाँ तक लगता है तो यहाँ का हर पार्क में नॉर्मल बात हो चुकी है, चुम्मा चाटी। मतलब हर जगह हो रही है। मतलब अब पार्क में बच्चे लोग को भी ले जाना लगता है अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है लग रहा है। मैं तो जहाँ देख रही हूँ तो यहाँ पे हर जगह स्टार्ट हो जा रहा है। इसके लिए भी हम सोच रहे हैं, या फिर कुछ कहना चाहिए सरकार को, चाहे ये बंद करवाना चाहिए, कैमरे लगवाने चाहिए, ये सब चीज़ भी होना चाहिए। क्योंकि बच्चे के लिए ही पार्क होता है, सबसे अच्छा रहता है कि बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए होता है। ठीक है, आप बड़े हो, आप बात कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, वो ठीक है, बात है। बट हर एक चीज़ के लिए हर एक चीज़ बनाया गया है, हर एक जगह बनाई गई है, तो वो चीज़ उस जगह ही अच्छी लगती है। तो आप देखेंगे हर एक जगह यही चीज़ हो रहा है, तो थोड़ा बुरा लगता है। अक्सर अगर अकेले आओ तो आप बुरा नहीं, क्योंकि आप हर लोग मिच्योर हो चुका है, लेकिन एक बच्चे के लिए सेफ नहीं है हमारे हिसाब से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमारा ये देसी अंदाज, देसी लुक। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, ये साड़ी हमारी नहीं है, ये साड़ी हमारी मम्मी की है। तो मैं यहाँ पे साड़ी लेके आई नहीं हूँ, जितनी भी साड़ियाँ पहनती हूँ वो मम्मी और दीदी की होती हैं। तो बहुत दिक्कत होता है उन लोगों की साड़ी पहनने में, क्योंकि ब्लाउज तो मैचिंग हो जाता है, बट थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है पहनने में, क्योंकि उन लोग का साइज़ और मेरा साइज़ अलग है इसकी वजह से। लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, ब्लाउज़ को फिटिंग करती हूँ, उसके बाद पहनती हूँ, बहुत दिक्कत होता है हमको। लेकिन आप लोग की रिक्वेस्ट आते हैं कि मैडम साड़ी में वीडियो बनाइए, इसलिए मुझे साड़ी में वीडियो बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड आप लोग बताइएगा ये हमारा साड़ी वाला लुक आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है? स्टूल पे चढ़ के दिखाते। ये देखिए फुल लुक है मेरा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे अभी कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है। हर किसी को मेहनत करना पड़ता है अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी हम देख रहे हैं एक चीज़, आप लोग को भी दिखाएंगे। ये देखिए, आप लोग को दिख रही होगी, जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, आप लोग को दिख रही है कि नहीं? इतना ऊपर बिल्डिंग के ऊपर देख रहे होंगे आप लोग, काम चल रहा है, कितना ऊपर ये मजदूर भाई लोग चढ़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। मतलब हर एक के लिए अपने पेट के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, जान का वो बाजी लगानी पड़ती है, या उसको ये नहीं डर लगता कि हमको क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा अपने पेट के लिए। कितना ऊंचाई पे है फिर भी डर नहीं लग रहा कि हम शायद गिर भी सकते हैं। तो भगवान इन लोग को शक्ति दे और इन लोग को भी भगवान आगे बढ़ाए। पता है फ्रेंड, हमको यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चलती है, बहुत ही अच्छा लगता है और मन एकदम तरोताज़ा हो जाता है हमारा। तो और आप लोग का मन कैसे तरोताज़ा होता है?
पता है फ्रेंड, मुंबई एक चकाचौंध की दुनिया है, सपनों की दुनिया है। तो भगवान जाने किसके सपने कब पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बिजी लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ है। और गाड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब लोग से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इतना ट्रैफिक लग जाता है कभी कभी। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे सब अपने अपने जैसे कि अपने काम में लगे हुए हैं, एक दूसरे का देख के बुराई नहीं करना, ना किसी को टांग खींचना, चाहे जो भी है, सब अपनी अपनी लाइफ में लगे, अपने काम में बिजी हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा ये होता है कि अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के लोग, चाहे जो कह लीजिए, हर वक्त ताना कसने वाले लोग रहते ही हैं। चलो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बाउंडेशन भी रहना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी घना है ये पार्क, बहुत ही ज़्यादा घना है। और आप लोग देखिए, लोगों का ख्याल रखिए और लाइफ को एंजॉय करिए, और हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखिए और प्यार दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते कितना अच्छा ये छोटे से कुटिया जैसा बनाया गया है ये, और काफ़ी साफ़ सुथरा भी है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ से आप ऊपर से सारे नज़ारा देख सकते हैं नीचे का। और ये देखिए बालकनी बनाया गया है, ये आपको लग रहा होगा लकड़ी है, बट लकड़ी नहीं है, सीमेंट से बनाया गया है। और देखिए मैं कितना ऊपर आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जगह आप अकेले में एंजॉय नहीं कर सकते, आप लोग को अगर दो लोग है, फैमिली है, कपल है, तो अच्छा लगता है ज़्यादा, देख सकते हैं आप। और ये आसमान, खुला आसमान। तो फ्रेंड काफ़ी बारिश हो रही है, तो मुझे पेड़ के छाया में बनाना पड़ रहा है वीडियो, और बहुत ज़ोरों की बारिश आ गई, बारिश हो रही है और हम थोड़ा भीग रहे हैं और बुखार आ जाएगा। चलते हैं जल्दी घर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ जाएगी तो हम भीग जाएंगे, तो इसलिए हम चलते हैं जल्दी जल्दी घर। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। लव यू गाइज, कीप सपोर्ट मी, बाय।